मॉर्निंग एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि कल्चर मीडिया को हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज क्यों नहीं करते। वेल, जो हॉट एयर ओवन है उस पर हम जितने भी ड्राई फ्लास्क हैं, पेपेट्स हैं, पैटरी प्लेट्स हैं या फिर कोई भी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर है 150 से 160 डिग्री सेल्सियस रहता है 2 आवर्स के लिए। तो जो भी ग्लासवेयर है वो इतने प्रोलॉन्ग जो टाइम के लिए हीट को टॉलरेट कर सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की, तो कल्चर मीडिया की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो उसके केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं हॉट इतने हाई टेम्परेचर की वजह से। इसलिए हॉट एयर ओवन को हम यूज़ नहीं करते हैं कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव का, जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 121 डिग्री सेल्सियस रहता है 15 से 20 मिनट्स के लिए, और जो प्रेशर है वहाँ पे वो 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच।